हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आप लोगों को थोड़ा 6 इंची के पाइप के बारे में नॉलेज देगा, दिखाएगा कैसे पाइप का जॉइंटिंग होता है। तो हमारे वीडियो को एंड तक बने रहे, हम आप लोगों को दिखाएंगे विस्तार से। आप स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को हमारा देखिएगा। हम आपको वीडियो को दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि वीडियो में कैसे हम 6 इंची के पाइप का और HDPE के पाइप को हम जॉइंटिंग करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि HDPE का पाइप कैसे जॉइंटिंग होता है, तो आप हमारा देखिए, हमारा हीटर मशीन है, इसमें केबल के थ्रू हमारा पाइप जॉइंट होता है। और देखिए, हम अच्छे तरीके से पाइप को ले जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें हमने पाइप को जोड़ रखा है और प्लग को हमने फिक्स कर दिया है। और प्लग को फिक्स करने के बाद हमने हीटर को चालू कर दिया है और हमारा हीटर चालू हो गया है। और एक चीज़ खास ध्यान रखने का कि कितना वोल्टेज पर हमारा जाना है, जॉइंट करना है, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये खास चीज़ है। और देखिए, हमारा ये सॉकेट का सॉकेट लगा हुआ है और उसमें हमारा सॉकेट आता है, 2+ आता है, माइनस प्लस जो प्लग आता है उसको पुश करके उसके बाद हमको इंतज़ार करना पड़ता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना देर का वो टाइम लगता है, वो तो ऑटोमेटिक वो मशीन ऑटोकट हो जाएगा कि हाँ आपका जॉइंटिंग हो गया है। और चलिए देखिए, हमारा ये 160 mm यानी बोले तो 6 इंच का PPR पाइप और फिटिंग्स है जिसका हम लोग जॉइंट कर रहा है। तो देखिए, हमारा ये ब्रांच लगा हुआ है, हम लोगों ने लगाया, और ये हमारा मशीन है PPR का, जॉइंटिंग का मशीन है। देख सकते हैं कितने विस्तार से लगा रखे हैं हम लोग, एकदम पूरा अच्छे तरीके से लगा रखे हैं ताकि हमारा जो जॉइंटिंग अच्छा हो, लीक ना हो। आप देख सकते हैं ये केबल है हमारा और हैवी केबल आता है इसका। तो इस चीज़ का ध्यान रखने का कि जो अपना प्लस जो है ना, ये कितना पावर है, पावर अपना पावर ध्यान रखने का, सेट करने का पावर कितना पर हमें पावर सेट करना है, ठीक है, उसमें मशीन पर लिखा रहता है। और ये हमारा 160 mm का पाइप है, इसके लिए जॉइंट कर रहे थे हम। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता है, अच्छे नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो के एंड तक बने रहे, धन्यवाद।